शब्दों की वापसी। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत करता और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से भला बुरा कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते थे। जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और भला बुरा कह देता, और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता था। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की, उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा कि तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है कि यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास आता है और कहता है, आपने जो काम दिया हो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को कहे गए अब शब्द वापिस नहीं आ सकते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को अब शब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।